तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग के अपडेट्स के लिए। तो क्या सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक बार फिर से आने वाले टाइम के अंदर रिटर्न करेंगे या फिर नहीं? मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है वो काफी सारे डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के माइंड में होने वाला है कि भैया सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू बैक स्टेज शो पर आ जाते हैं तो क्या उसे चांसेस और ज्यादा बढ़ रहे हैं क्या सीएम पंक पर फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रिटर्न करते हुए आएंगे या फिर नहीं? अब तो डब्ल्यूडब्ल्यू का बैक स्टेज वाला शो भी हो चुका है कैंसिल, लेकिन गाइस आपको बता दूं रिसेंटली सीएम पंक ने खुद ये बात कंफर्म कर दी कि वो रेडी है क्यों फेस करने रोमन रेंस का रेसलमेंट 37 के अंदर एक यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के अंदर। तो किस तरीके से पूरी कहानी किस तरीके से सीएम पंक ने अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न की है टीज आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए काफी कमाल की एंड इंटरेस्टिंग अपडेट लेकर आ गया हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस आपको बता दूं रिसेंटली जो सीएम पंक है वो अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए एक आस्क फैन वाला सेशन करते हैं, यानी कि वहां पर जो फैंस है वो सीएम पंक से हमें कुछ क्वेश्चन पूछते हुए नजर आते हैं और जो सीएम पंक हमें जरूर से उन चीजों का आंसर भी देते हुए नजर आते हैं। एंड गाइस आपको बता दूं इसी पूरे फैन सेशन के अंदर या फिर में आस्क पंक सेशन के अंदर यहां पर जो एक फैन है वो ट्वीट करते हैं यहां पर कि यू वर्सेस रोमन रेंस फॉर रेसलमेनिया 37 मेन इवेंट। तो यहां पर जो फैन है जैसी ये वाली चीज हमें ट्वीट करता हुआ नजर आता है उसके ट्विटर अकाउंट के जरिए तुरंत जो सीएम पंक है कुछ मिनट्स बाद इसका रिप्लाई देते हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए जो कि उनका कोच करके कुछ है ट्विटर हैंडल। और यहां पर जो सीएम पंक है वो रिप्लाई करते हैं कि मैं इस मैच को करने के लिए पूरे तरीके से रेडी हूं, यानी कि मैं पूरे तरीके से ओपन हूं इस मैच को करने के लिए रेसलमेनिया 37 के अंदर। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से जो सीएम पंक है डब्ल्यूडब्ल्यू को हमें इस वाले ट्वीट के अंदर ही ट्रोल करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं लेकिन ये जो मैं मैच होने वाला वो शो की ओपनिंग में करना चाहूंगा, ऐसा इसलिए क्योंकि भाई रेसलमेनिया एक 60 आवर्स लॉन्ग शो होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर जो सीएम पंक है वो मजाक बना रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू का एंड पूरे रेसलमेनिया के इवेंट का कि भाई इतना लंबा ये लोग शो रख देते हैं, क्योंकि हमने देखा भी था इस साल कोविड-19 के चलते डब्ल्यूडब्ल्यू ने रेसलमेनिया का 2 डे का शो कर दिया था। तो इसी के चलते सीएम पंक उस थिंग को लेकर हमें ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से हो सकता है नेक्स्ट ईयर अगर डब्ल्यूडब्ल्यू 2 दिन का करवा रही इवेंट तो हो सकता है 4 दिन का रेसलमेनिया करवा दे। तो कुछ इस तरीके से जान बुझी सीएम पंक ने यहाँ पर ये वाली कह सकता हूँ चीज़ की है ताकि वो ये बात जान सके जो फैंस है कि अभी स्टिल वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अगेंस्ट है, डब्ल्यूडब्ल्यू को आने वाले टाइम में ट्रोल करते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सीएम पंक ने ये वाली बात कह सकता हूँ स्टार्टिंग में ट्वीट के लिखी कि मैं पूरे तरीके से ओपन हूँ इस मैच को रेसल करने के लिए, तो मेरे हिसाब से सीएम पंक की जो एक स्टिपुलेशन होने वाले एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रिटर्न की वो ये हो सकती है कि वो स्मैकडाउन ब्रांड के अंदर रिटर्न करने वाले, क्योंकि स्मैकडाउन जो ब्रांड है वो फॉक्स नेटवर्क के अंदर आती है। तो एक तरीके से जो नौकरी या फिर सैलरी वगैरह सीएम पंक को मिलेगी वो फॉक्स नेटवर्क की तरफ से मिलती हुई नजर आएगी, डब्ल्यूडब्ल्यू से उनका सैलरी को लेकर तो कोई कनेक्शन नहीं होने वाला। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो रेस्टल महीने से पहले मैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रिटर्न के बारे में सोचें तो उन्हें फ्यूड चाहिए होगा रोमन रेंस के खिलाफ और पॉल हेमन इस थिंग के अंदर इन्वॉल्व है। तो मेरे हिसाब से सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस पॉल हेमन का सीएम पंक के साथ जाना इस वाली चीज को देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला। और मेरे हिसाब से अगर ये मैच होता है रेसलमेनिया 37 के अंदर अगर मेन इवेंट नहीं भी होगा तो मेरे हिसाब से सीएम पंक जरूर से हमें न्यू चैंपियन बनते हुए नजर आने वाले हैं। अभी फिलहाल मैं सिर्फ स्पेकुलेशन कर सकता हूं, मैं कुछ कंफर्म बातें नहीं कह सकता, लेकिन जरूर से सीएम पंक ने एक बार फिर से इस ट्वीट के जरिए बात टीज कर दी कि आने वाले टाइम में हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जरूर से रिटर्न करते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम में हो सकता है रोमन रेंस या फिर पॉल हेमन इस वाली थिंग को लेकर हमें सीएम पंक को फिर से टारगेट करते हुए नजर आए और देखते हैं कि आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू जो है इस चीज को मेंशन करेगी या फिर नहीं कि रोमन रेंस को मिला सीएम पंक की तरफ से चैलेंज, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू मैक्स फॉक्स सेंटर की तरफ से हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के एक एम्प्लॉय भी हुआ करते थे एंड वो फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार भी जरूर से। लेकिन गाइस आज की जो ये वाली वीडियो है वो सिंगल अपडेट वाली बस यहीं तक थी। आई नो ये वीडियो काफी ज्यादा छोटी है एंड मैं चैनल के ऊपर काफी इररेगुलर वीडियोस डाल रहा हूं, वरना चैनल पर डेली 2 वीडियोस आती थी, एक आती थी सुबह या फिर दोपहर के टाइम में, दूसरी आती थी शाम या फिर रात के टाइम। तो अब भाई वो चीज़ें थोड़ी गड़बड़ा इसलिए गई है, यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है ऐसा कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा वीडियोस वगैरह डालने का, बल्कि चक्कर ये है कि शादी में मतलब शादी मेरी नहीं है, घर में कुछ शादी वाला माहौल है, यहाँ पे जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनके घर में शादी है और बस मैं कुछ दिनों के लिए वहीं पर आया हूँ। तो इसी के चलते भाई रिलेटिव के सामने अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो उन्हें और लगता है, मुझे भी और लगता है उन्हें समझाने में कि भैया ये यूट्यूब है, मैं इस तरीके से वीडियो अपलोड करता हूँ, यहाँ पर जो ऑडियंस है उन्हें अपनी कुछ कॉन्टेंट प्रोवाइड करता हूँ, तो इसी के चलते वहाँ पर थोड़ी हॉचकच लगती है मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में। लेकिन किसी ना किसी तरह चैनल के ऊपर आपको डेली एक वीडियो जरूर से मिला करेगी। ये जो सारी चीज़ें हैं वो मेरे हिसाब से 10 से 15 दिन तक चलने वाली हैं, ऐसा हो सकता है कि कोई दिन वीडियो ना आए तो उसके बारे में मैं आपको जरूर से बता दूँ कम्युनिटी टाइम के ऊपर। लेकिन गाइस जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक के बिना कहीं मत जाना। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी जल्दी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।